प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला का मिनी सचिवालय सरकार की बेरुखी के चलते सफेद हाथी नजर आ रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार लगभग दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, बावजूद इसके एक भी मंत्री लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मिनी सचिवालय में नहीं बैठ रहा है। ये बात धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने कही। कांगड़ा जिला से चार मंत्री होते हुए भी कांगड़ा सहित आसपास के जिलों की अनदेखी होने से लोगों में रोष पनप रहा है और लोगों को अपने काम करवाने के लिए शिमला के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर महीने कोई न कोई मंत्री के मिनी सचिवालय में बैठने की बात कही थी, बावजूद इसके अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। धर्मशाला से विधायक किशन कपूर के हाल ही में सांसद बनने के बाद राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला कांगड़ा में जहां एक मंत्री का पद रिक्त हुआ, वहीं लोगों की परेशानियों को भी और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब धर्मशाला पूरी तरह से वीरान हो गया है। वीरभद्र जी की सरकार थी, उस समय यहां पर हर समय जो है वो मंत्री रहते थे और सारी बात होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, तब से धर्मशाला के अंदर जो सचिवालय बनाया गया है कि यहाँ पर मंत्री बैठते थे, यहाँ पर कोई भी मंत्री यहाँ पर नहीं बैठता। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए शिमला जाना पड़ता है और शिमला में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। हिमाचल में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये निकम्मी साबित हुई है। एक क्षेत्र के जो वासी है उन लोगों के लिए मतलब बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये इस सरकार का सही कदम नहीं है और ये सरकार सिर्फ नाम मात्र की सरकार रह गई है। ये तो एक सफ़ेद हाथी की तरह है, जनता का पैसा बर्बाद हुआ है। इसके ऊपर कांगड़ा के लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ राजधानी दी जाए, ज़बरदस्ती यहाँ पे राजधानी का आडंबर किया। उसके बाद पिछली सरकार में तो कुछ मंत्री आते जाते देखे भी थे मैंने कि कई बार होते थे, परंतु वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री ने कहा भी कि यहाँ पे हर समय कोई ना कोई मंत्री रहेगा, परंतु पिछले दो साल हो गए सरकार के, यहाँ किसी मंत्री के दर्शन नहीं हुए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज फिर कांगड़ा की जनता को चार चार मंत्री होते हुए शिमला के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि मूलभूत समस्याओं का समाधान यहीं पे हो सकता है। सचिवालय है तो सचिवालय की तरह कार्य करें, वरना इस सफ़ेद हाथी को बंद करके इसको पर्यटन के काम पर लाया जाए। सत्ता के द्वार कहे जाने वाले जिला कांगड़ा की अनदेखी को लेकर धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय की ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मिनी सचिवालय धर्मशाला में नियमित तौर पर मंत्री बैठा करते थे, जिससे निचले हिमाचल के लोगों की शिकायतों का निवारण मिनी सचिवालय में ही हो जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि मिनी सचिवालय में मंत्रियों का ना बैठना ये दर्शाता है कि भाजपा जनता की मांगों, मुद्दों एवं समस्याओं से दूर भाग रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक प्रेसिडेंट था शुरू से कि जब भी प्रदेश में सरकारें बने तो उसके अंदर जो कम से कम कांग्रेस के समय में मंत्री लोग जो थे कांगड़ा के, वो लोग यहाँ बैठा करते थे और न केवल कांगड़ा बल्कि जो ये कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर साथ के जो ज़िले हैं वहाँ के लोगों की शिकायतों का निवारण यही मिनी सेक्रेटरीट में हो जाया करता था। और यही वजह है कि यहाँ पर विधानसभा बनी, विधानसभा का सत्र होता है, उसके बाद अधिसूचना हुई कि इसको दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया, इन्हीं सारी बातों को देख करके किया गया था। और ये जो मिनी सचिवालय है ये भी एक तरह से सेक्रेटरीट जो है वो धर्मशाला का है, तो इसमें मंत्रियों का ना बैठना ये दर्शाता है कि ये लोग जनता की जो मांगे हैं और जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे किस तरह से दूर रहना चाहते हैं और उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में तो नए मंत्रिमंडल के जो गठन होना है, पुनर्गठन होना है, उसको लेकर के इतनी दौड़ लगी है कि लोगों की बातों के लिए समय इनके पास नहीं है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट।